हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। गाइस, क्लैन वॉर लीग शुरू हो गया है, तो गाइस आज से हम रेगुलर वीडियोस भी लाएंगे और पूरा क्लैन वॉर लीग्स के अटैक हम हर दिन दिखाएंगे आपको। और गाइस, आज हमारी वॉर फर्स्ट वॉर है और यहाँ पर गाइस हमने 6 अटैक्स में 17 स्टार्स कर लिए और आज हम कुछ लाइव अटैक्स करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। और वीडियो पूरा देखें गाइस, लाइव अटैक्स करेंगे आज। और काफ़ी यहाँ पर अपोनेंट की तरफ से 4 अटैक्स हुए, सिर्फ 8 स्टार्स। और अगर हम देखें गाइस, यहाँ पर हमने 8 10 TH 12 और 13 लिए, तो अभी हम काफ़ी नीचे हैं, लेकिन हमने अभी अटैक्स नहीं किए हैं तो इसलिए थोड़ा नीचे हैं। 6 अटैक्स में 17 स्टार्स और यहाँ पर टॉप क्लैन जो है गाइस 29 स्टार्स, लेकिन 16 अटैक्स में अपोनेंट की तरफ से 22 में 39। तो गाइस अभी हम काफ़ी नीचे हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 6 ही अटैक किए हैं, वो भी गाइस 17 स्टार्स के साथ। तो हमने काफ़ी TH 11 लिए हैं, यहाँ पर TH 11 काफ़ी सारे लिए हैं और सिर्फ एक TH 10 है। तो अपोनेंट का अगर देखें गाइस, यहाँ पर 18-19 तक TH 12 और 13 है। तो गाइस आज हम फर्स्ट अटैक करेंगे TH 11 से और नंबर 14 पे। नंबर 14 का बेस अगर हम देखें गाइस, यहाँ पर ईगल आर्टिलरी मैक्स है और बाकी टाउन हॉल तो TH 12 है। तो 3 स्टार हम कोशिश करेंगे गाइस, यहाँ पर इन्फर्नोस दोनों सिंगल हैं, ईगल आर्टिलरी और हीरोज बिल्कुल सेंटर में। तो गाइस यहाँ पर हमने हाइब्रिड आर्मी ज़्यादा हमने गाइस यहाँ पर माइनर्स लिए, सिर्फ 7 हॉग राइडर्स और 3 रेज 3 हील और सीज बरैक में गाइस हमने मैक्स हॉग राइडर्स लिए हैं और 2 सुपर वॉल ब्रेकर भी हैं। तो गाइस क्वीन चार्ज के साथ और 3 रेज हमने लिए गाइस क्वीन चार्ज के लिए और 3 हील। तो गाइस जब हमारा जो प्लान रहेगा इस बेस पे, तो गाइस यहाँ से हम सीधा क्वीन चार्ज करेंगे, सीधा हम चाहे टाउन हॉल ले लेंगे साथ में बॉम्ब टावर्स। तो यहाँ पर गाइस 5 o'clock से सीज बरैक और किंग। तो गाइस सीधा सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो 6 o'clock से हम माइनर्स और हॉग राइडर्स डिप्लॉय करेंगे। तो गाइस ये है प्लान। तो अब हम गाइस अटैक करते हैं इस बेस पे। तो गाइस अब हम लाइव अटैक करते हैं, चलो देखते हैं गाइस 3 स्टार होगा कि नहीं। तो उम्मीद तो है गाइस कि 3 स्टार हो जाएगा। तो गाइस आर्मी हमारी गाइस 3 हिल 3 रेज 1 पॉइजन 2 सुपर वॉल ब्रेकर भी हैं, 3 लोन्स 1 बेबी ड्रैग। तो गाइस 3 स्टार होगा, हीरोज तो हमारे मैक्स हैं, 3 स्टार तो होना चाहिए गाइस। तो जो हमने प्लान बताया था गाइस, उसी प्लान के साथ यहाँ पर हम अटैक करने वाले हैं। 7 o'clock से क्वीन और पीछे हीलर्स, एक सुपर वॉल ब्रेकर, एक तरफ हमने बेबी ड्रैग डिप्लॉय कर दिया। तो गाइस क्वीन हमारी अंदर जानी चाहिए, यस क्या लगता है गाइस क्वीन जाएगी अंदर? यस। तो गाइस अब क्वीन अंदर की तरफ गई, समझो ये एक अच्छा फनल बनेगा। तो गाइस यहाँ से हम सीसी को भी किल करेंगे। तो देखते हैं अभी इस क्लैन कासल कितना दूर है, क्या रेंज में। यहाँ पर काफ़ी डैमेज और रेज के साथ डैमेज काफ़ी था गाइस, यहाँ पर एक्सपोज और आर्चर टॉवर्स भी हैं। तो गाइस दूसरा सुपर वॉल ब्रेकर हमने डिप्लॉय किया था, लेकिन हाँ यहाँ पर दूसरा कंपार्टमेंट खुल गया। मैं सोच रहा था यहाँ पर टाउन हॉल का जो कंपार्टमेंट है ये खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी खैर गाइस देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी तक बढ़िया जा रहा है गाइस। तो हमने किंग डिप्लॉय कर दिया, इस पीछे सीज बरैक डिप्लॉय करते हैं, किंग के साथ सीज बरैक डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो गाइस माइनर्स हमने डिप्लॉय कर दिए और पीछे हॉग राइडर्स। तो गाइस क्वीन अभी तक है, यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो ने क्वीन को पकड़ा, यहाँ पर एबिलिटी देनी पड़ेगी। तो गाइस थैंकफुली के लेकिन ड्रैगन जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो तो यहाँ पर ट्रूप्स की तरफ गया, तो हमारी क्वीन ले पाएगी, यानी यहाँ पर एक हील। अभी भी हमारे पास 2 हील्स हैं और 2 रेज, यहाँ पर कोर में काफ़ी डैमेज है, यहाँ पर भी एक हील। तो गाइस यहाँ पर रेज दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से जल्दी यहाँ पर जो कोर वाला है, यहाँ पर डिफेंसेस हैं, ये हम निकाल पाए। तो गाइस यहाँ पर एक और हील यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस अभी तक लग तो रहा है 3 स्टार हो जाएगा।
तो गाइस क्वीन अभी तक है हमारी, ये बढ़िया बात है गाइस। तो गाइस एक हॉग राइडर है क्या, इन्फर्नो तो गया गाइस, तो अभी गाइस लग रही 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि हमारी क्वीन की हेल्थ काफ़ी है, तो ये हो जाएगा 3 स्टार। अभी टाइम भी है गाइस 29 सेकंड्स है अभी 26, तो गाइस टाइम इश्यू तो नहीं होगा लेकिन लगता नहीं है क्योंकि क्वीन है हमारी, क्वीन जिंदाबाद। तो गाइस 3 स्टार के साथ हमने ये फर्स्ट अटैक किया और काफ़ी मज़ा आया, प्लान अच्छा यहाँ पर वर्क किया। तो गाइस ये हो गया 3 स्टार हमारा आज का फर्स्ट अटैक, अब हम TH11 से नेक्स्ट अटैक करने वाले हैं। गाइस ये हो गया 3 स्टार, अब हम एक और अटैक करते हैं, यहाँ पर TH12 काफ़ी सारे हैं तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे 3 स्टार लेने की। नंबर 12 पे क्लेम किया मैंने गाइस, तो नंबर 12 पे हम अटैक करने वाले हैं, ये उससे भी गाइस थोड़ा डिफिकल्ट बेस है लेकिन कोशिश करेंगे गाइस के 3 स्टार हम ले पाएँ। तो गाइस अभी 7 अटैक्स में 20 स्टार, तो हम गाइस अभी हम देखें यहाँ पर 22 नंबर से हम करने वाले हैं 12 पे हम जंप करने वाले हैं। तो गाइस अगर हम बेस देखें तो यहाँ पर इन्फर्नोस मैक्स हैं दोनों और सिंगल हैं, आर्टिलरी मैक्स है, टोनाल 5 स्टार है, एक्सपोज भी मैक्स हैं गाइस, तो ये जो हैवी डिफेंसेस हैं ये तो मैक्स हैं लेकिन एयर डिफेंस भी मैक्स हैं। और लेकिन गाइस यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम 3 स्टार कर पाएंगे, तो गाइस वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर 7 o'clock से क्वीन चार्ज और आर्मी भी गाइस हमारी सैम है और स्पेल्स भी। तो गाइस यहाँ पर सैम 5 o'clock से किंग और सीज पैराक और 6 o'clock से सीधा माइनस हम डिप्लॉय करेंगे, देखते हैं गाइस ये प्लान वर्क करता है कि नहीं, तो होपफुली गाइस हम 3 स्टार फिर से ले पाएँ। तो गाइस यहाँ पर फिर से माइनस और 6-7 हॉग राइडर्स आपने लेने गाइस, ये आर्मी काफ़ी पावरफुल है गाइस, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस बार हमने 2 बेबी ड्रैग्स लिए और 7 हॉग राइडर्स क्लैन कैसल में, तो मैक्स हॉग राइडर्स हैं। तो गाइस अब हम अटैक करते हैं और देखते हैं गाइस 3 स्टार के लिए जाएंगे हम, गाइस सेम स्ट्रैटेजी वहीं से हम क्वीन चार्ज स्टार्ट करेंगे, तो गाइस दोनों तरफ से बेबी ड्रैग डिप्लॉय कर देते हैं क्योंकि गाइस वरना हम गाइस पता है क्वीन चार्ज में अगर क्वीन भटक जाए तो फिर चांसेस रहते हैं कि आपका अटैक फेल हो जाएगा। तो गाइस होपफुली यहां पर हम 3 स्टार ले पाएं और एक अच्छा फनल बन गया गाइस, दूसरा सुपर वॉल ब्रेकर गाइस, यहां पर क्वीन अब एंट्री लेगी अंदर, यस गाइस, तो इस बार सुपर वॉल ब्रेकर ने तो कमाल किया, एंट्री तो दिला दी गाइस बेस में। तो गाइस यहाँ पर एक हॉग राइडर डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं क्लैन कासल से सीसी ल्योर होता है कि नहीं, हो गया गाइस, और यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन है तो पॉइजन कर दिया हमने। तो गाइस अब हम यहाँ पर रेज अभी नहीं डिप्लॉय करते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम सीज ब्रैक और किंग डिप्लॉय करते हैं एक तरफ और एक अच्छा फनल बन जाए, और अब हम माइनर्स डिप्लॉय करते हैं और पीछे गाइस हॉग राइडर और ग्रैंड वार्डन, और अच्छी बात है गाइस यहाँ पर क्वीन ने टारगेट किया ईगल आर्टिलरी को और आर्टिलरी तो जाएगी अब गाइस, यहाँ पर एक हील, तो गाइस अभी हमारे पास 2 हील एक रेज है, तो यहाँ पर काफ़ी डैमेज है, क्या वार्डन एबिलिटी यूज कर लें, कर ली गाइस। यहाँ पर गाइस टोन हॉल भी एक्टिवेट हो गया है, ओह हमारी क्वीन गाइस तो गई यहाँ पर रेज के साथ गाइस, ताकि जल्दी से टोन हॉल जाए क्योंकि 5 स्टार टोन हॉल है गाइस, काफ़ी डैमेज होता है। ओह गाइस यहाँ पर गीगा टेस्ला जो बॉम्ब था उसने काफ़ी डैमेज दिया, और लग रहा है गाइस 3 स्टार होगा क्योंकि हमारे हीलर्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं माइनर्स पे और साथ में पक्का पे आई थिंक ये, लेकिन अभी हमारे पास हॉग राइडर्स हैं 2-3 और माइनर्स भी काफ़ी सारे, तो बेस में कुछ बचा नहीं गाइस, और ये भी 3 स्टार हो गया गाइस, काफ़ी मज़ा आ गया गाइस, और 3 स्टार के साथ एक और हमने ट्रिपल मार दिया। तो गाइस अभी तक बढ़िया अटैक जा रहे हैं हमारे, तो गाइस ये भी हो गया 3 स्टार और मज़ा आ गया,
और एक और अटैक देखेंगे अब हम। तो गाइस अब हम वापस आ गए, लेकिन हमारे थोड़ा रिकॉर्डिंग में एरर आया था इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन गाइस हमने यहाँ पर भी ट्रिपल स्टार के साथ गाइस 3 स्टार कर दिया यहाँ पर गाइस नंबर 17 पे। तो गाइस ये अटैक भी देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने 20 नंबर से 17 पे किया था, ये भी TS-12 था गाइस। लेकिन यहाँ पर इन्फर्नोस काफ़ी लो लेवल के हैं, दोनों दो दो लेवल के। तो गाइस अगर हम देखें यहाँ पर जो प्लान था वही आर्मी गाइस, यहाँ पर 8 हॉग राइडर, 17 माइनर और 2 सुपर वॉल ब्रेकर। तो गाइस वही सैम गाइस, तीनों अटैक एक ही तरफ से गाइस 7 o'clock से। यहाँ पर कोशिश थी गाइस इन्फर्नो लिया जाए और यहाँ पर, लेकिन हमने दूसरी तरफ से यहाँ पर 11 o'clock से सीज बराक और किंग डिप्लॉय किया था। और गाइस यहाँ पर जो सेंटर में 9 o'clock से माइनर्स और साथ में हॉग राइडर डिप्लॉय किए थे। तो गाइस ये था प्लान, जो सुपर वॉल ब्रेकर हमने डिप्लॉय किया था गाइस ये थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पर क्वीन, जो कंपार्टमेंट अभी खुला है वहाँ तो क्वीन नहीं जाने वाली, लेकिन दूसरा अभी जहाँ क्वीन है यहाँ पर दूसरे सुपर वॉल ब्रेकर के साथ सीधा एंट्री अंदर तक कि इन्फर्नो लिया जाए, लेकिन फिर भी अच्छा फनल बन जाएगा। और यहाँ पर 11 o'clock से किंग और सीज बराक। सिंपल गाइस ये आर्मी काफ़ी पावरफुल है, क्वीन चार्ज आपने बढ़िया तरीके से करना है और आपने ही देखना है गाइस कि कौन सी साइड से आपने क्वीन चार्ज करना है। तो 3 स्टार तो हो जाएगा आपका इजली। क्लैन कासल में आप मैक्स हीलर हील लीजिए और यहाँ पर फर्स्ट हील क्योंकि मल्टी इन्फर्नो था। और यहाँ पर गाइस सीसी से इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो यहाँ पर वार्डन एबिलिटी यूज की गई थी आई थिंक, नहीं हील। तो गाइस यहाँ पर टोनाल भी एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी हील, तो अब एक रेज बचा और रेज और साथ में वार्डन एबिलिटी। देखते हैं रेज कहाँ पे यूज किया था हमने, आई थिंक यहाँ पर रेज और यहाँ पर पहले वार्डन एबिलिटी और साथ में रेज, ये काफी बढ़िया गाइस। तो गाइस ये भी 3 स्टार इजली गाइस। तो यहाँ पर गाइस क्वीन चार्ज डोमिनेट कर सकता है गाइस अटैक में TS-12 पे, अगर गाइस सेमी मैक्स TS-12 हो तो 3 स्टार हो जाता है गाइस इजली। क्वीन चार्ज बस बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा आपको। तो गाइस ये भी 3 स्टार था गाइस, आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा इन अटैक्स को। और गाइस होपफुली गाइस आपने एंजॉय किया होगा। और गाइस चैनल पे पहली बार आए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते कल नेक्स्ट राउंड में, तो कल की वीडियो भी आएगी गाइस, तो तब तक के लिए बाय।